हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सर? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम हैं उस चौराहे पे जिस चौराहे से स्टार्ट हुआ था शिल्पी राज और विवेक पटेल का प्यार का मामला। तो अभी अगल बगल में दो चार दुकानें हैं और इन दुकानों से हम पता करेंगे कि किस तरह का उस समय माहौल था, क्या कुल चल रहा था दोनों को लेकर इस चौराहे पे। तो चलिए अभी चलते हैं और एक यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। फिलहाल भाई सब बताने से इनकार कर दिए हैं और आगे की तरफ भेज दिए हैं। तो शिल्पी राज और विवेक पटेल के बारे में कुछ जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। चौराहे पर शायद उनका दुकान जानते हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। जी जी, बोलिए। तो क्या मामला था उन दोनों का? मामला देखिए, उनका जो है यहाँ एक दुकान था, दुकान चलाते थे वो। जी जी जी। और पहले से जो है वो गायब थी। जी जी जी। और चौराहे पे आ रही थी जो है। तो आते आते उनसे उनका जो है रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया। हाँ। रिश्ता बनने के बाद जो है वो जो है पार्टी में जो है दोनों आदमी साथ में जा रहे थे। और जाने के बाद जो है वो जो वो लोग जो है बाहर में ही प्रोग्राम बनाते थे, करते थे जो है। ये बहुत सपोर्ट वपोर्ट भी करते थे विवेक पटेल। सुने उनके? सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्हीं विवेक की ही वजह से वो वहाँ तक जो है पहुँची है। जी जी। और उसका इतने समय बदल गया है तो विवेक जो है इतने समय वो खराब हो गए। जी जी जी, समझ गए। और रिश्ते को अब ख़त्म कर दिया। अब वो ये भी बात है कि वो लव मैरिज की, शादी भी की, मंदिर में भी शादी की है, उसकी माँ उस साथ में भी है। कहाँ शादी कहाँ हुआ था? मंदिर में कहीं शादी किए हैं लोग, फोटो भी है। अच्छा, मायरवा में शादी? हाँ शादी, हाँ शादी की है। और उसके बाद जो है वहाँ पटना लेकर गए और वहाँ वो कुछ दिनों तक, दो तीन साल तक थी। जी जी जी। और जिस तरह उसका प्रोग्रेस होता गया उसको लोग चढ़ाते गए, उसके बाद जो है उसको जो है अपने चुंबन से जो है जब वो स्टार बन गई। हाँ, स्टार जब बन गई तो इसको छोड़ दी। तो ये कोई तरीका है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। बताइए कोई तरीका है? वो लड़का इतने समय जो है वहाँ तक पहुँचा दिया, उसके बाद जो है ये लड़का अब गलत हो गया, खराब हो गया? नहीं जी जी, बिल्कुल ये बात गलत है। तो चलिए और भी दुकानें हैं इधर बगल में, इधर पूछते हैं। चलिए, शिल्पी राज को जानते हैं और विवेक पटेल को नहीं जानते हैं? तो इनको नहीं पता है, चलिए आगे पता करते हैं। तो दो चार जगहों पे मैंने पता किया गाइस, बट पता नहीं क्यों लोग कैमरे के सामने बोलने से डर रहे थे। आई थिंक वहाँ पे एक दो दिन पहले कुछ हुआ था इसीलिए लोग बताने से डर रहे थे। और आप ये जो सामने देख रहे हो, यहीं पे विवेक पटेल का मोबाइल का दुकान था और यहीं से प्यार का सिलसिला स्टार्ट हुआ था इन दोनों का। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और उस चौराहे पे मैं जाते वीडियो शूट नहीं कर पाया था, इसलिए क्योंकि ऑफ द कैमरा लोग वहाँ पे बोल रहे थे और ऑन द कैमरा वहाँ पे नहीं बोल रहे थे। पता नहीं क्यों वहाँ पे लड़के सब बताने से डर रहे थे। फिर भी जितना कुछ हो सका मैंने वहाँ पे शूट किया और आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ करता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना यार, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरह का वीडियो आप मेरे चैनल के थ्रू देख पाओ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।